जमूरे, तेरी बुद्धि कैसे हो गई मंद? क्यों की अकल की सारी बातें इस बोरे में बंद? तो चल मेरे छोरा, खोल दे ज्ञान का बोरा। लेकिन हजूरे आला, इस पर तो लगा है ताला। अरे क्या चीज है तेरे लिए छोटा सा ये ताला? जोर लगा के तोड़ दे मेरे लाला। इसे मैं खोलता हूँ। खगा की चाबी से खुल जाए ज्ञान का ताला, शिक्षा सबको मिले छटे अज्ञान का बादल काला, बच्चे बूढ़े पढ़े पढ़े बालक और बाला, शिक्षा बन जाए जनता का बरछी भाला। नहीं बपौती नहीं विरासत, शिक्षा पैसे वालों की, सबको शिक्षा मिले हटे जहालत सदियों सालों की। गिली 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 फू। छोटे मियाँ, कमाल है, लगता है छोटे मियाँ को भूख लगी है। छोटे मियाँ, रोटी खाओगे? नहीं। अरे तो चाय पियोगे? वो भी नहीं। क्या लड्डू खाओगे? अरे वो भी नहीं खाओगे। अरे कोई बात नहीं भाई, तुम वो बात तो बताओ क्या है। अच्छा, इन लोगों के सामने नहीं कहना चाहते? मत कहो, बाबा के कान में कह दो जाके। जाओ। भाई साहब के शादी के लिए कह रहे हैं। अरे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, तुम चिंता मत करो, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे। तो मेहरबान करो दान, हमारे छोटे मियाँ कहते हैं कि अब वो जवान हो गए, उनकी शादी करा देनी चाहिए। ठीक है, हम उनके लिए लड़की ढूंढ के ले आते हैं। अरे चमेली भाई, ओ चमेली भाई, जरा बाहर तो आओ। अरे जरा झुमका तो दिखा दे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्यों छोटे मियाँ, लड़की पसंद है? अरे दे दे, अरे बहुत पसंद है, बहुत ज्यादा पसंद हो गई क्या? अरे दे 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 दे, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं यार, अभी नहीं छोटे मियाँ, इतनी जल्दबाजी मत करो। तो इसका मतलब लड़की पसंद है? ठीक है, तो तुम्हारी शादी पक्की। अरे अरे तू क्यों गुस्सा हो रही है? क्या कर रही है तू? अरे गुस्सा क्यों हो रही है? अरे 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 आखिर बात क्या है, बता तो दे। अरे नहीं बताती तो बाबा के कान में कह दे। अच्छा अच्छा बाबा, गलती हो गई हमसे। हाँ तो मेहरबान कर दान, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। लड़के की पसंद तो पूछ ली, लेकिन लड़की की पसंद नहीं पूछी। मॉडर्न गर्ल है ना, इसलिए अपनी मर्जी के बगैर शादी नहीं करेगी। ठीक है भाई, ऐसा ही सही। तो चमेली भाई जरा तुम ही बता दो, हमारे नन्हे मियाँ तुम्हें पसंद है या नहीं? अरे हाय 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 हाय, इसका मतलब पसंद है। तो लीजिए जरा, लड़के और लड़की को दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। ठीक है, तो छोटे मियाँ अब तुम्हारी शादी बिल्कुल पक्की। बच्चा लोग जरा ताली बजाओ जोर से। आज मेरी शादी बड़े कम उम्र में है गई, 15 की ही में। सिर्फ 15? हाँ, चाचा ने तो बहुत समझाया बापू को, यूं भी कही कि सरकार पकड़ के ले जाएगी, मगर उसने किसी की ना सुनी। इतनी मुश्किल से पढ़े लिखे लड़के का रिश्ता जो मिल रहा ना, सो कर दी शादी। तुझे इस बात का अफसोस तो नहीं है कमला? रमेश जैसा आदमी तो किसी किसी को नसीब होता है। तुझे पढ़ाया लिखाया, गांव के कामकाज में लाया, फिर देख रही हूँ घर के कामकाज में भी हाथ बटाता। जी जी, आप कहोगी कमला बावली हुई है, पर एक बात कहूँ आपसे जो आज तलक मैंने किसी से ना कही। अरे नहीं, तू बोल। जी जी, अगर मैं अनपढ़ निपट गवारी रहती तो मैं कभी ना समझ पाती कि क्या जाती है गई मेरे साथ।
आंखों वाले ही तो देख पाता है दुनिया में कितने दुख हैं। ऐसे हीरा के बापू से मौको कोई शिकायत ना है, उन्होंने सोचना विचारना सिखाया तो आज मैं समझ पाती कि बचपन के दिन जो हाथ से निकल गए तो क्या जाती है गई मेरे साथ। ऐसे मैके में मुझे कोई परेशानी ना रही, लेकिन थी तो मैं वहाँ बच्चों में बच्ची ना, यहाँ के तो मैं घर की बहू ही बन गई, एक दिन में बच्ची से औरत है गई। बड़ा अजीब लगा होगा ना तुझे अचानक बहू की तरह रहना सहना। ससुराल में वैसे मुझे कोई परेशानी ना रही जीजी, यूँ मेरा ससुर भी इनसे थोड़ा दबते रहे, पर वही सच्ची बात ससुराल की सार सुख के दिन दो चार, फिर वही बखत की मार, मोको तो ऐसा लगे जैसे किसी ने मेरे बचपन में से तीन चार साल ही चुरा लाई। जीजी वैसे शुक्र करो इन्होंने बच्चा बनाने में ज़्यादा जल्दी ना करी, रानी हमारे ब्याह के चार साल बाद हुई, नहीं तो मेरी हालत भी सोना दे जैसी है गई होती। क्यों सोचती है ये सब कमला, शुक्र कर तेरा आदमी दूसरों जैसा नहीं निकला। ना जीजी अपने बारे में तो मैंने सोचना ही छोड़ दिया, पर दूसरों के साथ ऐसा हो तो देखूं तो मुझसे ना देखा जाता, मुझे ऐसा लगे इन छोरियों का कोई बचपन ही लूट के लिए जा रहा है। मासी, अरे मूर्ति कहाँ जा रही है पहले? अच्छा अच्छा अब जे मूर्ति 15 की हुई है अभी, पचेत राम 3 साल से बोरा है डोल रहा है, कोई कोई अच्छा लड़का मिल जाए। अरे जैसे बेटी उसे काटे खारी, और ये बुढ़ाऊ उम्र ही लाई जिसके धोरे जा रहे ना अभी, अपनी अमीना का निकाह 11 की उम्र में कर दिया मरे ने। दर्जन भर से ज्यादा निकले खराब थी, ऊपर से कहते हो क्या कहते हैं, अरे तुमसे पुराना कारोबार है इसलिए हाथ बंद करके माल ले जाता हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं कि सारा घटिया माल मेरे मत्थे चढ़ दो, है शराफत का नाजायज फायदा उठाते हो। लेकिन बाबूजी मैं तो एक एक नग देख वर्क करके देता हूँ, घटिया माल होने का तो सवाल ही नहीं होता। अच्छा इसका मतलब तो यही हुआ ना कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, सीधे सीधे क्यों नहीं कह देते हो? ऐसे नहीं चलेगा मास्टर, बाजार वैसे ही मंदा हो गया है और तुम पर घटिया माल दोगे तो खरीदार माल उठाना बंद कर देगा, अब वैसे भी तुम्हारी बनाई निकर बेचने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते वो मैं ही जानता हूँ, इस बारी तो 8 आने सिलाई दे रहा हूँ, आगे से 40 पैसे नग मिलेंगे। 40 पैसे भौजी, 40 पैसे में तो कुछ भी ना बचने का। ठीक है मैं कोई जबरदस्ती नहीं करता मियाँ जी, आगे से जो 8 आने नग दे दे उसी से हिसाब कर लो। हाँ तो 4 दर्जन निकर के 8 आने के हिसाब से हुआ 24 रुपये, 14 खराब निकर के पैसे काट रहा हूँ तो 7 रुपये गए, 24 घटा 7 17 रुपये बने। हाँ 8 आने तुम पे पिछले निकलते हैं। पिछली बार के 8 आने? हाँ हाँ मुझे सब याद रहता है। ये लो 16 रुपये, 8 आने बाद में ले लेना। चलो निकालो क्या माल तैयार किया है। भाजी निकरों में कोई खराबी नहीं। अब बंदी करो निकरों का रोना, याद रिया तो अगले चक्कर में लाके दिखा दूंगा। चलो निकालो माल निकालो। चार दर्जन है। हाँ ठीक है बाबूजी नग चेक कर लो। अब जैसे मुझे और कोई काम तो है ही नहीं। अरे मियाँ अगर हर जगह मैं नग जांचने बैठ गया तो चलिए मेरा धंधा, सौदा करना है तो दलाल की जबान पर यकीन करना सीखो, तुम्हारे 2 पैसे मार के मैं सेठ नहीं बन जाऊंगा। बाबूजी यकीन मानो 40 पैसे में कुछ ना बचने का। तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कपड़ा लाया था, अब किसी और से सिलवा लूंगा, तुम ही तो अकेले कारीगर हो। नहीं बाबूजी वो कपड़ा न दे रहे। सोच लो 40 पैसे ना। ये लो भाजी वो इस बार की रसीद रह गई। ओहो टोक दिया मैं बीच में, इससे पहले रसीद की याद नहीं आई तुम्हें? अरे मियाँ इन कागज के टुकड़ों का क्या होगा,
असल बात तो है यकीन, एक दूसरे पे भरोसा, पर वो तुम लोगों ने करना सीखा ही नहीं। अब वैसे भी तुम कौन से यकीन के लायक हो। लो तो यहाँ गांव में फैलाया है तुमने अपना जाल। आप यहाँ क्या कर रही हैं? क्यों, यहाँ महिला समिति नहीं बन सकती? यहाँ नहीं चलेगी, देखते हैं। कालिंदी जी, ये हमारा इलाका है, आपका शहर नहीं। जानती हो इसे अच्छी तरह? शहर में एक बस्ती में औरतों से कपड़े सिलवाता था, टके धड़ी काम करवाता था, ऊपर से उन्हें बेवकूफ बनाता था, उनके पैसे मार लेता था। हमने वहां औरतों को इकट्ठा किया, महिला समिति बनाई, औरतों में थोड़ी सी हिम्मत आई तो उन्होंने अपने काम के मुनासिब दाम मांगने शुरू किए, पक्की लिखा पड़ी शुरू की, बस ये भाग लिया वहां से। अब औरतें वहां पे अपना माल खुद बेचती हैं और पहले से दुगना तिगना कमाती हैं। शहर में इसकी चलनी बंद हो गई ना तो गांव का रुख किया है चोट्टे ने। यहाँ तो जी सरकारी सान की तरह डोले है, रुपए के काम के चारा ने देवे ईमान से। वो तो देगा ही, जहाँ संगठन नहीं होगा वहाँ तो ऐसे लोगों की चांदी है। संगठन? वाई की बात करने तो आए हैं तुम्हारे धोरे चचा। मेरे धोरे? हाँ, जो औरतों की पढ़ाई का केंद्र जो खुला है ना। हाय, कितने सुंदर है। अरे सिल्वर, हाँ सिल्वर था, चिट्ठी ये कार है, कार है, कार है, चिट्ठी। अच्छा तो पीड़ा पीड़ा ये का है जी? तो बीड़ी लग रही है। हाँ ये बीड़ी है। ये देख नल। अरे ये कैसा नल है, जहाँ में तो पानी आ ही नहीं रहा। अरे तभी आया भी है पानी, 6 महीना है गए ठूठ सा खड़ा हुआ है, मैंने तो कदी भी एक बूंद भी पानी टपकती ना देखी। क्यों, कामता प्रसाद के घर में जो लगा है वहाँ में तो खूब आवे, मैंने देखा हाँ। उन सेठों के नहीं आवेगा तो क्या तेरे घर पे आवेगा? ए सुशीला जी, तैने बनाई है तस्वीर? मैंने? अरे मुंह पे तो एक लकीर सीधी ना खींची जाए। तो फिर किन्ने बनाया है? आर्टिस्ट ने, और किन्ने? यहाँ कौन सा आर्टिस्ट धरा है का कोई? अरे बता ना। बता दो। हाँ जी, इनने बनाई है तस्वीर? और नहीं तो क्या। अरे तुमने समझ क्या रखा है हमारी मूर्ति को, किसी से कम है क्या? अरे मौका मिले तो कहीं से कहीं की जा पहुंचे, बिना सीखे भी ऐसी ऐसी तस्वीरें बना दे। पर जहाँ मौका मिले किसे है, असर पी देख कैसे कैसे गीत बना ले वे, कोई ना पूछता। अरे घर की मुर्गी दाल बराबर। सच बात। हम पूछे क्यों ना, हम पूछे। अब इसने सबसे बाद में पढ़ना शुरू किया, पर इसमें एक ऐसा हुनर है जिससे तुम सबकी पढ़ाई में मदद मिल सके। जिताश के पत्ते बनवाए, इसे इनसे खेल होएगा। तुम तीनों दसत पत्ता बांट लो, चलो। ये लिखाई वाले पत्ता धर दे मैंने बीच में, हैं? इससे तस्वीर वाले से ये लिखाई वाले मिला के देखो, और जिस भी तस्वीर से लफज मिल जाए उसे जोड़ा बना के धर दे, और ना मिले तो नीचे धर दे, वो दूसरी उठा लेगी, और जिसके भी 10 जोड़ा बन जाए वो जीत जाएगी। ठीक है? हाँ। बर्बादी न कर कर दीपक। ये तो है मुंह पे दीपक,
ईख जे तो ना है मुँह पर जे जे है ती ती दली आ तितली जे जे देख जे गीता जे है ना हाँ जे है माला 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 जेरी माला कही ब ब खे ख खे ख बखेड़ा बखेड़ा खड़ा खड़ा ना कर दे जिम बखेड़ा कैसा मौसी? अरे सरकार का कानून है ना कि 18 साल से कम उम्र में लड़की की शादी ना कर सकें। पर अमीना की तो 11वें साल में ही है गई। यही तो रोना है, कानून की माने कौन है? जो किसी सरफिरे ने मास्टर उमर इलाही की रपट कर दी तो जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी। जेल में? और नहीं तो क्या। और मेरे बाबू जी मेरी शादी की बात कह रहे हैं तो उनको भी जेल भेज दिया जाएगा। तू घबरा मती, कमला तेरे बाबू को ऐसी बेवकूफी ना करने देगी। तो कमला मौसी की तो 15वें में ही है गई। उसके गांव में कोई नहा जो उसके बापू को मना सके था, पर तेरे बापू तो कमला और रमेश की बात माने हैं। तू क्यों ना कह देती अपने बापू से कि मैं पढ़ लिख कर ही करूंगी शादी जब 18 पार कर लूंगी। पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो दब कर न रहेगी, हरगिज नए समाज के जुल्मों को सहेगी। पढ़ने के हक को पाने की औरत ने है ठानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी, औरत की कहानी है ये औरत की जुबानी।